नमस्कार दोस्तों, निफ्टी व्यू 18 सितंबर 2020 के लिए लग तो रहा था कि ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इनफैक्ट गैप डाउन खुला, ऊपर गया हमारे क्रूशियल सपोर्ट तक। खुला एक्चुअली सपोर्ट पर, 11,525 वाला सपोर्ट वहां खुला, ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया और एक्चुअली नीचे आ गया। ये रहा निफ्टी का हाल। दो तीन बातें मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है 11,661 पर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। वो रेसिस्टेंस कहां से आया? ऑल टाइम हाई 12,000 का और मार्च का लो 7,500 का, उसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो एग्जैक्ट रेसिस्टेंस आता है 11,661। और 11,661 के ऊपर इस दिन बंद हुआ ही नहीं, उसको रिस्पेक्ट किया। परसेंटेजेस वाइज देखेंगे तो एग्जैक्ट है और हमने एक गिरावट देखी। ये जो मूव मिला यहां से ऊपर, ये तो रिएक्टिव मूव था इसलिए नीचे आने के लिए, फिर नीचे आया भी जरूर। अब ये जो मूव आया ऊपर, ये भी रिएक्टिव मूव है, ऊपर गया है लेकिन नीचे आने के लिए। मुझे लग रहा था कि शायद 11,660 के आसपास चला जाए, लेकिन वहां गया नहीं, 600 से लौटा। अब तक ठीक है, लेकिन अब भी चांस है ऊपर जाने का थोड़ा, मैं वो रूल आउट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर ऐसा नीचे गिरना चाहिए मार्केट, क्योंकि इस मूव में कुछ स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसे नजर नहीं आ रहा। चलो निफ्टी इंटरनल देखते हैं, निफ्टी इंटरनल का हाल क्या है। निफ्टी इंटरनल देखा जाए तो ये प्रीवियस टॉप था, वहीं पर रेसिस्टेंस मिल गया और उसके बाद नीचे आ गया। और इंटरनली देखता हूं ये सर्कल के अंदर, तो मुझे इसका स्ट्रक्चर वीक लगता है। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये तो किसी को पता ही नहीं, लोग यूज करते हैं वर्ड स्ट्रक्चर। मैं कुछ 15-17 साल से यूज कर रहा हूं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या है? स्ट्रक्चर में ऐसी चीज है जो आप एक चार्ट को एक सेकंड से कम में देखकर पता पड़ता है स्ट्रांग है क्या वीक है, वो है स्ट्रक्चर। कभी मौका मिला तो किताब लिखूंगा, वरना देखते हैं। ये रहा स्ट्रक्चर का सी, ये मुझे वीक नजर आता है जो सर्कल के अंदर है। और सपोर्ट, पहला सपोर्ट है 11,475, फिर है करीब 11,400 के आसपास, फिर करीब 11,375 के आसपास। ऐसा है, हमको पता नहीं कि निफ्टी कहाँ खुलेगा कल सुबह 18 सितंबर को। अगर ये यहाँ पर कहीं ऊपर अपर रीजन्स में खुलता है तो अच्छी बात है, फिर एक लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है 11,475 से 400 का भी जोन देखने को मिल सकता है। प्रॉब्लम आता है जब ये सपोर्ट 11,400 और 475 के आसपास खुलता है तो फिर एक चांस है ऊपर जाने का, फिर यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस आ सकता है, ये फिर एक साइडवेज जोन हो सकता है, एक दो दिन ऊपर एक दो दिन नीचे चल सकता है। ये थोड़ा स्ट्रगल है बिटवीन बेयर्स एंड बुल्स में, दोनों में से एक को तय करना है। शायद चाइना तय करेगा, नहीं मुझे पता नहीं चाइना का वॉर क्या है, क्या है, जब बातें तो हो ही रही हैं। ये रहा बात निफ्टी की। निफ्टी बैंक का देख ले हाल क्या है। निफ्टी तो 7 दिनों से निफ्टी बैंक साइडवेज जोन पर चल रहा है। अब इसको इस जोन से, जो मैंने रेक्टेंगल मार्क किया है, इसको यहां से निकलना पड़ेगा। इसके पहले जो डाउन मूव है ये तो वीक है, फिर 4 दिन का साइडवेज मूव, ये तो और वीकनेस था। अभी वापस 7 दिन का साइडवेज है, या तो और नीचे जाएगा करीब 21,000 के आसपास, लेकिन उसको 22,000 तोड़ना पड़ेगा। एक बार 22,000 तोड़ दे तो फिर 21,000 किसे में, अगर ऊपर मिल जाएगा तो फिर 23,200 के आसपास थोड़ा रेसिस्टेंस है। तो फिलहाल तो एक ट्रैप जोन पर है निफ्टी, और जब तक ये ट्रैप जोन पे ट्रेडिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं तो कर ही लेता हूं लेकिन ट्रेडिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है। निफ्टी बैंक का हाल क्या है? निफ्टी बैंक इंटरनल देखेंगे, ये ट्रैप जोन मैंने बताया था, ये 22,700 क्रॉस करेगा तो 23,000 भी जाएगा और हायर लेवल भी देख सकते हैं। और जो ये जोन बना हुआ है अभी, यहां पर कुछ हेड एंड शोल्डर नजर आता है मुझे। अगर ये सर्कल में खुला और ये ब्रेक करता है 22,300 के करीब, तो फिर काफी हद तक गिरावट आ सकती है, जो कि 22,100 भी तोड़ सकता है और 22,000 के आसपास जा सकता है। वहां फिर शायद फिर बाइंग आ जाए, किसको क्या पता। अच्छा है ये कल अपर रीजन्स में खुले और थोड़ा गिरावट आनी चाहिए तो वहां पर एक शॉर्टिंग का मौका मिलेगा। मुझे स्ट्रेंथ नजर नहीं आती जब तक कि 22,700 दिल से क्रॉस नहीं करता। ये क्रॉस होना चाहिए दिल से। अब आप बोलेंगे दिल से क्या है, दिल से ही होता है और क्या होता है।
बस इतना ही सोचना है हमको, बुजुर्ग कह गए भाव भगवान है, तो मैं भी कहता हूँ भाव भगवान है। चलिए ठीक है।